गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन द सेम टॉपिक फॉर फ्यूचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। स्टूडेंट, यू हैव अर्लियर स्टडीड अबाउट द फॉर फ्यूचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर प्रीवियसली इशूड एट पार। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर प्रीवियसली इशूड एट प्रीमियम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉर फ्यूचर के केस में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है और रीइश्यू के टाइम पर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। पार का केस क्लियर हो चुका है, लेकिन रीइश्यू के केस में आज हम लोग डिसाइड करेंगे फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर प्रीवियसली इशूड एट प्रीमियम के केस में हम डिस्कस करेंगे इस कंडीशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया जाता है। स्टूडेंट, इस केस में हमने बताया था आपको दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं। पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उस कंडीशन में होता है, फर्स्ट कंडीशन में हम लोगों ने बात की थी कि वेन प्रीमियम मनी इज रिसीव लेटर शेयर वर फॉरफिटेड, इन सच अ केस एंट्री विल बी पास लाइक फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर एट पार विच इज इशूड एट पार। तो इस कंडीशन में आपको प्रीमियम का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, नॉर्मल एंट्री होगी, शेयर कैपिटल डेबिट अलाटमेंट एंड कॉल्स ऑन विच अमाउंट इज नॉट रिसीव क्रेडिट एंड द बैलेंस विच इज रिसीव ऑन एप्लीकेशन एंड अलाटमेंट विल बी क्रेडिट। सेकेंड कंडीशन में जो एंट्री पास की जानी है उस कंडीशन में क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन है कि प्रीमियम मनी रिसीव नहीं हुआ हो, इस कंडीशन में कैंसिल करने के लिए हम प्रीमियम को डेबिट करते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर अलाटमेंट टू शेयर कॉल्स टू शेयर फॉर फ्यूचर। तो यहाँ पे ज़्यादा और रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक रिकॉल हो चुका होगा। आपके सामने सेम टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन है, दोनों कंडीशन में हम देखेंगे फॉर फ्यूचर के टाइम पर क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर ऑफ ₹100 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलाटमेंट फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20 हैज नॉट एट बीन कॉल्ड। आउट ऑफ दिस 100 शेयर वर रीइश्यूड ऑन फुली पेड अप फॉर ₹110 पर शेयर। तो यहाँ पे दो चीज़ें स्पेशली आप ध्यान देंगे, पहली कंडीशन ये है फेस वैल्यू 100 जिसमें से 20 कॉल नहीं किया गया, इट मीन्स कॉल्ड अप वैल्यू 80। सेकेंड कंडीशन अलाटमेंट रिसीव, अलाटमेंट मनी अलाटमेंट रिसीव इट मीन्स प्रीमियम ऑल्सो रिसीव। तो अगर प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव हो चुका है उस कंडीशन में कैंसिल नहीं होना है तो आपका फॉर फ्यूचर क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ शेयर 400 कॉल्ड अप मनी 80 पर शेयर 32,000। प्रीमियम कैंसिल नहीं होना है क्योंकि प्रीमियम रिसीव होने के बाद फॉर फ्यूचर हुआ। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल आपका 400 शेयर का ₹20 पर शेयर 8,000, ये रिसीव नहीं हुआ। टू शेयर फॉर फ्यूचर फॉर फ्यूचर, अब आपको जो बैलेंस अमाउंट मिला था वो फॉर फ्यूचर में जाना है। तो बैलेंस अमाउंट आपका होगा 24,000, अगर आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके दिखाना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा 400 मल्टीप्लाइड बाई 60, सॉरी प्रीमियम यहाँ पे कैंसिल होगा एक्चुअल में, तो ये टोटल हो जाएगा अब 60, तो ये हो गया आपका 24। अब इसके बाद सेकेंड एंट्री आपको पास करनी है रीइश्यू की, रीइश्यू के लिए कंडीशन दिया गया है फुली पेड अप 110 पे रीइश्यू करना है, फेस वैल्यू 100 110 पर रीइश्यू हुआ, ₹10 आपका बेनिफिट हो गया, नो लॉस यहाँ पे। तो इस कंडीशन में जब आप रीइश्यू करेंगे
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। आपने रिज्यू किया 100 शेयर, शेयर कैपिटल की वैल्यू 100, प्रीमियम में 100 शेयर का 10 रुपीज, ये आपका टोटल हो गया 10,000 और 1,000 आपका प्रीमियम हो गया। अब इसका जो बैलेंस प्रॉफिट है ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में, आपने फॉरफिट किया है 400 शेयर, प्रॉफिट आपको मिला 24,000 का। वन शेयर पर अगर आप देखेंगे तो 24,000 डिवाइडेड बाय 400, आप 100 शेयर पर अगर प्रॉफिट चेक करेंगे तो 24,000 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो गया टोटल 6,000, क्योंकि इसमें से कोई डिफिशियंसी एडजस्ट नहीं की गई, टोटल अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये हो गया आपका 6,000। नेक्स्ट कंडीशन आपके सामने है, प्रीमियम का ट्रीटमेंट इस कंडीशन में देखना है। वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 5 पर शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलाटमेंट मनी ऑफ रुपीज 35 पर शेयर। अगर अलाटमेंट नहीं मिला यहाँ पे तो क्लियर है कि प्रीमियम भी नहीं मिला। इस 35 में 5 रुपीज प्रीमियम इंक्लूडिंग है, 30 आपका अलाटमेंट मनी प्लस 5 रुपीज प्रीमियम, तो यहाँ पे प्रीमियम नहीं मिला। ऑब्वियस है कि प्रीमियम को कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, फर्स्ट कॉल रुपीज 20 पर शेयर, सेकंड एंड फाइनल कॉल आप रुपीज 20 हैज नॉट एट बीन कॉल्ड, 500 ऑफ दिस शेयर वर रीसोल्ड एट एज रुपीज 80 पेड अप फॉर रुपीज 92 पर शेयर। तो यहाँ पे 80 पेड अप किया गया है जबकि फेस वैल्यूज की थी 92 रुपीज। तो यहाँ पे एंट्री, फर्स्ट एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर 700, फेस वैल्यू 80 रुपीज, यहाँ पे जो कॉल्ड अप है एक्चुअल में, तो ये हो गया 56,000। प्रीमियम कैंसिल करना है, प्रीमियम नहीं मिला, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, 700 शेयर का 5 रुपीज के हिसाब से 3,500 टू शेयर अलाटमेंट, अलाटमेंट जो आप कैंसिल करेंगे 700 शेयर का, 700 शेयर का आप 35 रुपीज़ दिखाएंगे, यहाँ पे 30 रुपीज़ आपका अलाटमेंट प्लस 5 रुपीज़ प्रीमियम दोनों कैंसिल होगा, तो ये आपका टोटल हो गया 24,500 टू शेयर, फर्स्ट कॉल 700 इंटू 20, ये आपका टोटल हो गया 14,000 टू शेयर फॉर फ्यूचर, बैलेंस अमाउंट। अब आप रीसू कर रहे हैं इसको, रीसू के टाइम पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पे देखिए 92 पर पेड अप वैल्यू 80 है लेकिन आपने रीसू किया इसको 92 रुपीज़ पर शेयर, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, यह आपका 500 शेयर 80 रुपीज़, 500 शेयर 12 रुपीज़, यह आपका प्रीमियम हो गया टोटल 40,000 एंड ये हो गया 6,000, टोटल 46,000।
अब ट्रांसफर करना बैलेंस अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में। सेम वर्किंग नोट, यहाँ पे आपने प्रॉफिट अर्न किया 700 शेयर पर 21,000 फॉर फ्यूचर से, तो आपका 500 शेयर पर जो प्रॉफिट होगा 21,000 डिवाइडेड बाई 700 मल्टीप्लाइड बाई 500 15,000। कोई डिफिशेंसी यूटिलाइज नहीं हुई, ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टोटल अमाउंट 15,000। एक क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है जिसमें दोनों कार्स पर प्रीमियम जुड़ा हुआ है। लग्जरी कार्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 100 पर शेयर। तो यहाँ पे कंडीशन है स्टूडेंट, प्रीमियम अप्लीकेशन और अलाटमेंट दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, कोई मैटर नहीं, सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे भी होगा। अगर प्रीमियम मिल चुका है तो कैंसिल नहीं होगा, और जो प्रीमियम नहीं मिला है उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, सेम ट्रीटमेंट एज यूजुअल रहेगा। तो सबसे पहली कंडीशन इसमें देखिए क्या दी हुई है, यहाँ पे बताया गया कि इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर पेड हिज एंटायर शेयर मनी एट द टाइम ऑफ अप्लीकेशन, एडवांस पेमेंट किया। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर वर फॉरफिटेड, यहाँ पे एरियर था जिसकी वजह से इनका शेयर फॉरफिट हुआ। द फॉरफिटेड शेयर वर लेटर ऑन रीइश्यूड फॉर ₹90 पर शेयर एज फुली पेड अप, यहाँ पे भी प्रीमियम पर इशू किया गया, रीजन 50 का शेयर है, 90 पे हम इशू कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, जब हम रीइशू करेंगे 10,000 शेयर का पेमेंट मिलेगा, इसके साथ साथ 400 का एडिशनल पेमेंट मिलेगा। तो एंट्री आपकी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे अगर आप ट्रीटमेंट दिखाएंगे तो इस कंडीशन में 10,000 का 75 तो है ही है, प्लस इसमें क्या है 400 का 75, क्यों, क्योंकि 400 का अलाटमेंट मिला, अलाटमेंट पर बैलेंस अमाउंट अगर आएगा तो वो भी ₹75 ही होगा, क्योंकि 50 प्रीमियम 25 एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट आपका हुआ 780,000। अब दूसरी एंट्री ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन मनी को शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जो एडवांस बैलेंस मिला था उसको अभी हम अलाटमेंट में ट्रांसफर करेंगे टू शेयर अलाटमेंट। तो शेयर कैपिटल में आपका जाएगा 10,000 का 25, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये प्रीमियम भी ट्रांसफर होगा 10,000 इंटू 50, और ये कॉल्स इन एडवांस हो गया आपका 400 इंटू 75। तो ये टोटल बैलेंस देखिए 2,50,000 आपका शेयर कैपिटल का बैलेंस हुआ, 5,00,000 आपका प्रीमियम हो गया, और 30,000 आपका अलाटमेंट पर, टोटल हो गया आपका 7,80,000। थर्ड एंट्री अलाटमेंट ड्यू के लिए शेयर अलाटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नो मैटर व्हाट अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, जो एडवांस आपको 400 शेयर पर मिल चुका है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ पे ड्यू दिखाना है 10,000 इंटू 25, 10,000 इंटू 50, ये आपका प्रीमियम। तो ये टोटल हो गया आपका 2,50,000 शेयर कैपिटल, 5,00,000 प्रीमियम, टोटल 7,50,000 अलाटमेंट ड्यू। अब इसमें रिसीव कितना होगा, ऑलरेडी आपका ड्यू है 7,50,000,
30,000 आपने रिसीव कर लिया एप्लीकेशन पर, लेस कर दीजिए एप्लीकेशन एप्लीकेशन 400 शेयर का जो एडवांस मिला था अलाटमेंट के लिए, बचा आपके पास 7,20,000। 7,20,000 ये पेंडिंग अमाउंट है जिस पे आपको कितने शेयर का पेमेंट नहीं मिल रहा था। आपको 300 शेयर पर पेमेंट नहीं मिल रहा है, पर शेयर 75, तो 300 शेयर पर 75 रुपीज़ मीन्स 22,500 ये नहीं मिला, हो गया टोटल 6,97,500 ये आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे आप दिखाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 6,97,500। एरियर दिखाने की सेपरेटली ज़रूरत नहीं, जब क्वेश्चन में स्पेशल कंडीशन दी गई हो, कहा गया हो, तभी करना है, अदरवाइज कोई ज़रूरी कंडीशन नहीं। फॉरफीचर के केस में देखिए क्या ट्रीटमेंट होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर आप फॉरफिट करने जा रहे हैं 350 रुपीज़ क्यों, एप्लीकेशन और अलाटमेंट का। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 300 × 50, यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 50 से डेबिट क्यों होगा, सिंपल रीज़न एप्लीकेशन पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो चुका है, अलाटमेंट पर पेंडिंग है, उसी को हम कैंसिल करेंगे। तो ये हो गया आपका 15,000 शेयर कैपिटल, 15,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम, पेंडिंग अमाउंट शेयर अलाटमेंट पर 2 शेयर अलाटमेंट 300 शेयर का 50 रुपीज़ प्रीमियम, 25 रुपीज़ अलाटमेंट मनी, टोटल हो गया आपका 22,500 टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, रिमेनिंग अमाउंट 7,500 ट्रांसफ़र हो गया फॉरफीचर में। अब आप रीइशू करेंगे, तो रीइशू के केस में कंडीशन दी गई है आपको 90% शेयर फुली पेड अप रीइशू करने के लिए, पॉइंटर नहीं मिल रहा संतोष सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अभी आपका टोटल 50 रुपीज़ चला जाएगा शेयर कैपिटल में, 300 × 50 प्रीमियम में चला जाएगा 300 × 40 रुपीज़, ये हो गया आपका 15,000 और ये हो गया आपका 12,000, टोटल हो गया आपका 27,000। फॉरफीचर के बाद जो बचा हुआ बैलेंस है ट्रांसफ़र होता है कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पे ये जो 7,500 है ये प्रॉफिट है 300 शेयर का, तो यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई बैलेंस फाइंड आउट नहीं करना है, ये कंप्लीट अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट हो गया आपका 7,500। ओके स्टूडेंट, कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। दो क्वेश्चन आपके सामने हैं सेम टॉपिक पर बेस्ड, दोनों का मिक्सअप है, इसको आप सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।